फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज मिलना है, तो हम उम्मीद ये करें कि 15 से 20 दिन यानी कि 26 जनवरी क्या कहा जाए कि वो तारीख हो सकती है या फिर उससे पहले भी? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और आपने सही बताया बिल्कुल कि प्रधानमंत्री, देखिए जहां जहां पर वैक्सीन बन रहे थे, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो पुणे हो, प्रधानमंत्री ने गुजरात में यहां तक जाके उसके स्टेटस का जायजा लिया, उसको अच्छी तरह से समझा, और उसके बाद जाहिर है केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही वो हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। इस बीच आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं नेशनल मीडिया सेंटर पर कि जो DCGI के अधिकारी थे वो फिलहाल इस समय मीडिया के साथ रूबरू हैं, जिसे ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन कहा जाता है। और इसमें कई सारे जो ऐसे सवाल थे जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कहीं कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, ताकि हम उसे और बेहतर जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि आज का दिन आप ये भी समझें कि पूरा जो मीडिया था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, उसकी नजर भी थी भारत में वैक्सीन के डेवलपमेंट पर, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर थी। क्योंकि आपने देखा चाहे US हो, उसने अपनी वैक्सीन बना ली, UK में भी मंजूरी मिल गई, वहां पर शुरू हो गया, दुनिया के कई और देश, और इसीलिए नजर भारत पर थी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी के लिए वैक्सीन बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन भारत ही ऐसा देश है जिसे शायद इस तरह के सबसे बड़े कार्यक्रम का अनुभव है। अगर आपको याद हो तो पल्स पोलियो से बड़ा कोई अभियान था ही नहीं। और यह भी एक देखिए संयोग है कि वो कार्यक्रम भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री शुरू किया था, और आज इतने बड़े कार्यक्रम के, जबकि वैक्सीन दिया जाना है, तब भी डॉक्टर हर्षवर्धन ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वो लगातार कह भी रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि भारत ने पल्स पोलियो को खत्म करने का बीड़ा उठाया था और महाअभियान चलाया था, लाखों करोड़ों बच्चों तक, घर घर तक, आपने देखा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो, आंगनवाड़ी, घर घर तक वैक्सीन पहुंचा था। इसीलिए ड्राई रन में उसी प्रक्रिया को अपनाया गया कि प्राइमरी क्लिनिक से लेकर के निजी अस्पतालों को साथ लाया जाए, सरकारी अस्पतालों को साथ लाया जाए, तापमान को देखते हुए वितरण व्यवस्था किया जाए। हमारी सहयोगी पौलमी सहा ने दिल्ली एयरपोर्ट की वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां स्टोरेज भंडारण भी किया गया था कि अगर वैक्सीन बाहर से भी मंगाना हो। इसके साथ साथ अलग अलग राज्य सरकारें भंडारण की भी व्यवस्था कर रही हैं कि वैक्सीन को जिस तय तापमान में रखना है वहां उसे रखा जा सके, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जब आपने अपना लिया है तो अब सिर्फ और सिर्फ नजर इस पे है कि कैसे पहली खेप भारत सरकार जो है उसे लेती है और उसके बाद उसे अलग अलग राज्यों को भेजा जाएगा। आपको अगर याद हो तो इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कमल जब गए थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां से भी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और वहां पर भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो कर्ता धरता है आधार पूना वाला, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी क्षमता लाखों की है, हम इतनी वैक्सीन बना सकते हैं जितनी देश को जरूरत होगी। और इसीलिए भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी जो है उसको अगर इस वायरस से बचाना है तो जाहिर है तैयारियां भी उतने बड़े स्तर की होनी चाहिए। और जब इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि शायद 26 जनवरी वो ऐसा दिन हो जब प्रधानमंत्री खुद औपचारिक तरीके से इसका उद्घाटन करें, इसकी या इसका ऐलान करें, क्योंकि मंजूरी मिलने के बाद अब ज्यादा समय नहीं है जब टीका लोगों तक पहुंचेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंचेगा, स्वास्थ्यकर्मियों तक पहुंचेगा, और उसके बाद हर वो जरूरत का इंसान, क्योंकि प्राथमिकता भी आपको बता दें कि प्राथमिकता जो सरकार ने तय की है वो सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें पुलिस है, पैरामेडिक्स हैं, और इसके साथ साथ जो पैरा फोर्सेस हैं, और उसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं, फिर वो लोग जो बीमार हैं जरूरत होगी। इस तरह से प्राथमिकताओं का जो दौर है उसे तय किया गया है, तो बस कुछ दिनों का और इंतजार मुझे लगता है नौजवान, जिसके बाद ये महाअभियान देश में शुरू होगा। और इस बात को बकायदा समझाया भी, देखिए हम सुन रहे थे अभी किस तरीके से विजय सोमानी साहब ने ये बात बताई कि पूरी तरह से सुरक्षित है, भरोसे की बात कल स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे थे। अब बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, कल भी स्वास्थ्य मंत्री ने सुनाया था कि पूरा प्लान एक तरीके से तैयार है। चलिए हम आपको सुनवाएंगे, वो आशुतोष रही है हमारे साथ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा निदेशक ने, हम वो सुनते हैं। फाउंड कंपेरेबल विद द डाटा फ्रॉम ओवरसीज क्लिनिकल स्टडीज आफ्टर डिटेल्ड। चलिए अब बड़ी बात आशुतोष सीधे सीधे यही आती है कि प्लानिंग तारीख का इंतजार है, लेकिन जब फ्रंट लाइन वर्कर्स की हम बात करते हैं उसमें भी क्या किसी तरीके की अलग से प्लानिंग की गई है कि पहले या फिर स्टेट वाइज या फिर ओवरऑल हम कहें कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण की शुरुआत होगी यहां पर? देखिए अलग जाहिर है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म से लेके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हम जानते हैं कि इंजेक्टेबल फॉर्म में है, ये जो प्रक्रिया अपनानी होगी वो राज्य सरकार ही करेंगे, उनके स्वास्थ्यकर्मी करेंगे।
जो प्राथमिकता दी गई है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जिसमें डॉक्टर्स हैं। अभी भी आपने देखा कि देश भर में कई सारे डेडिकेटेड अस्पताल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, और हमने देखा कि कई डॉक्टर, कई नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो इसकी वो जो है इस जंग में हार गए। तो जाहिर है प्राथमिकता इसीलिए होगी कि उन डॉक्टरों को सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाए, उसके बाद उन नर्सिंग स्टाफ को लगाया जाए। इसके लिए बाकायदा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने देखा कि आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था, जब भी आप कहीं जाते थे आसपास तो उसे टेस्ट किया जाता था, आप उसको चेक करते थे कि आपके आसपास संक्रमण का खतरा कितना है। वो एक काफी सुविधाजनक एप्लीकेशन था। इसी एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। कल मॉक ड्रिल में जिन जिन जगहों पर बुलाया गया था नर्सिंग को या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, इन सबको, वो उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा था जिसमें लोग रजिस्टर हो चुके थे। यानी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार रजिस्ट्रेशन की एक विंडो देती है कि पहले कुछ दिन हम जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद एक विंडो दिया जाएगा जिसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस हों या फिर पैरा फोर्सेस के हों, आर्म फोर्सेस के हों, उनका नंबर आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके फ़ोन पर बाकायदा एक SMS आपको वैक्सीनेशन की जगह और तारीख मुहैया हो जाएगी। इस समय के बीच फलाना तारीख को इस सेंटर पर आपको पहुंचना है। यानी ये जो चेन है वो ड्राई रन में पहले ही सरकार देख चुकी है, तरीका निकाला जा चुका है। तो जब उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो वो एक बेहद सुविधाजनक होगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को 130 करोड़ की आबादी में टीकाकरण कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है।